मैंने प्रैपली का अकाउंट बना दिया था लेकिन फिर भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे थे प्रैपली से रिगार्डिंग कल ही मुझे साक्षी यादव का कमेंट आया कि दे आई हैव ए अर्जेंट क्वेश्चन सम स्टूडेंट्स वॉन्ट टू स्टडी थ्रू व्हाट्सएप हाउ डज दिस वर्क क्या व्हाट्सएप से लिंक शेयर कर के पढ़ाने से कोई दिक्कत होगा प्रेपली को प्लीज प्लीज रिप्लाई दी सबसे तो मेन था वो था वांट टू स्टडी थ्रू व्हाट्सएप बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देती हूँ अपने तीन साल के एक्सपीरियंस से कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू जितना हो सके ना व्हाट्सएप से टल जाओ बिल्कुल भी व्हाट्सएप पर मत जाओ जब तक बहुत 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 ही ज्यादा अर्जेंट है कि वो प्रेपली सपोर्टिंग बाद में पढ़ सकते हैं वो काइंड ऑफ रिकॉर्ड हो रहा था या फिर वो उनको ट्रैक कर रहे होते कि आप क्या बातचीत कर रहे हो कोई ऐसी बात तो नहीं और और एक ही से बाहर पेमेंट हो इवन आपके मैसेजेस जो होते हैं ना वो तो वो हर टाइम पढ़ते रहते हैं अगर उन्होंने कहीं पर भी ढूंढ लिया ना कि आपने ऐसे बात की हुई है व्हाट्सएप के थ्रू तो वो आपकी पेमेंट ही रोक देंगे तो आपका मनी विड्रोवल ही नहीं होता केस उनको अगर थोड़ी सी डाउट भी है ना तो वो आपकी पेमेंट वहीं पर रोक देंगे और आप विड्रो नहीं कर पाओगे अपनी पेमेंट को क्योंकि फिर वो बोलेंगे कि हमें डाउट था कि आपने बाहर से क्लासेस ली है और बाहरी पेमेंट लिए जो कि अगेंस्ट अ पॉलिसीज के और इस वजह से जो भी आपने वहां पर क्लासेस लिए ना उसका भुगतान हम ऐसे करेंगे जितने भी आपके प्रेपली वॉलेट में पैसे हैं वो सारे के सारे आप विद्रो नहीं करा सकते हो या फिर आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा तो जितना हो सके व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप से टल जाओ के लिए वहां पर पेमेंट डायरेक्टली उनको बोल दो पेमेंट आई ओनली एक्सेप्ट फ्रॉम प्रैपली तो इवन जूम पर भी बेशक मत लो अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है तो ही जूम पर जाओ अदरवाइज प्रेपली पर ही क्लासेस लो ताकि कोई भी दिक्कत हो जाए तो प्रेपली है वहां पर सपोर्टिव आप बोल सकते हो एटलीस्ट उनको कि मैंने आपके ही प्लेटफॉर्म पर क्लासेस लिए हैं तो मेरी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं पेमेंट से रिगार्डिंग और एक और क्वेश्चन था हाँ दी बुक करने वाले स्टूडेंट और ही टाइम शेड्यूल करते हैं या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम या हमें करना होता है तो ऐसा कुछ नहीं है हम शेड्यूल नहीं कर सकते स्टूडेंट इज़ द बोस आपको सिर्फ अपना टाइम ओपन करना है स्टूडेंट के लिए जब स्टूडेंट फ्री होगा वो उस टाइम को बुक कर लेगा खुद ही वो शेड्यूल कर लेगा अनटिल एनालिस्ट स्टूडेंट खुद आपसे बोल रहा है कि आप मेरे लिए पाँच बजे का टाइम बुक कर सकते हो इंडिया टाइम तो आपको बुक करना है अदरवाइज़ आप बुक मत करना ये भी अगेंस्ट अगर आपने अपनी तरफ से बुक कर दिया और कहीं पर भी मैसेजेस में बात नहीं है आपने स्टूडेंट से डिस्कस नहीं किया है कि ये टाइम मैं शेड्यूल कर रही तो भी आपका अकाउंट खतरे में है तो ये गलती मत करना अगर स्टूडेंट बोल रहा है तो ही शेड्यूल करना और नहीं तो स्टूडेंट को ही बोलो कि स्टूडेंट को ही बोलो कि अपना खुद शेड्यूल कर लो मैंने टाइम खोल दिया क्योंकि जस्ट इन केस आपने बुक किया और स्टूडेंट नहीं आया तो सवाल आप पर उठेंगे कि आपने शेड्यूल क्यों किया ठीक है अगर स्टूडेंट नहीं आया स्टूडेंट ने शेड्यूल किया तो आपके पास पेमेंट आने में इजी रहता है अगर आपने शेड्यूल किया तो हो सकता है वो पेमेंट कई बार रोक देते हैं अगला क्वेश्चन था रहमत मेहता का इज प्रेपली नॉट एक्सेप्टिंग एनी मोर Tutors, please ये मैंने में भी बता दिया था हर में आती शाम को। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मे भी अभी थोड़ा लग रहा होगा आपकी होने में। और एक क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा था कि हाई देर आई कांट फाइंड यू ऑन वेबसाइट कैन यू प्लीज हेल्प मी टू फाइंड यू सेम क्वेश्चन की प्रोफाइल आपकी मेरी प्रोफाइल का आप लिंक पूछ रहे हो बार बार तो मेरी प्रोफाइल लिंक आपको ऐसा कुछ करना नहीं है क्योंकि अगर आप वहां पर मैसेज भेजोगे तो मैं वैसे भी रिप्लाई नहीं करने वाली आपको जो भी बात करनी होती है मैं सिर्फ YouTube पर एक्टिव हूँ मैं इंस्टा पर भी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ मैं YouTube पर एक्टिव हूँ आपके कमेंट्स में हमेशा पढ़ रही होती हूँ आप मुझे कमेंट्स में बता दो या मुझे लाइव में बता दो आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन ओके और एक और क्वेश्चन था अनिल बुदराम का आई हैव नॉट विदड्रॉन एनी मनी ऑन प्रेपली एज यर द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग इज द फेस वेरिफिकेशन प्रोसेस इज इट पॉसिबल फॉर मी टू स्टिल विदड्रॉ मनी विदाउट गेटिंग वेरीफाइड ऑन प्रेपली अगर आप प्रेपली पर वेरीफाई हो गए हो तो फेस वेरिफिकेशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जब आप पे ओनिर से अपना अकाउंट कनेक्ट कर रहे हो या फिर पेपल से क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो राइट right पर्सन से ही ताकि कोई भी ऐसे फेक आइडेंटिफिकेशन ना हो इसलिए वो आपको बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं योर फेस योर आधार कार्ड या फिर जो भी आपकी आई प्रूफ है वो सारी चीजें तो लो आप क्लासेस स्टिल ले सकते हो तो मनी विद्रॉ हो जाएगी एक दो दिन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस वेरीफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करके थोड़ी देर ट्राई कर लो हो जाएगा ये सोनम मैम यहां पर इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं ट्यूशन मिलता है क्या तो यहां पर इंडियन स्टूडेंट्स को भी ट्यूशन मिलता है क्योंकि यहां पर पेमेंट्स होती है हो, डॉलर्स में होती है ना तो इस वजह से इंडियन स्टूडेंट्स यहां पर कम पढ़ने के लिए आते हैं क्योंकि uh, वही डॉलर ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म तो यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को भी आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो या फिर इंडियन स्टूडेंट एज अ टीचर भी यहाँ पर टीचर भी बन सकते हो और स्टूडेंट के लिए भी वो प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अगला क्वेश्चन नशरीन मोहम्मद का था आ, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे आपने शुरू में जब प्रैपली पर अप्लाई किया था तब फर्स्ट लेक्चर कितने दिन बाद आया था तो मुझे फर्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट डे ही आ गया था और अनदर थिंग आप बार बार पूछ रहे थे कि मेरी प्रोफाइल क्या अगले दिन ही अप्रूव हो गई थी तो मेरी प्रोफाइल ना पहले रिजेक्ट हुई थी क्योंकि मेरा जो फोटो था वो सही नहीं था तो उन्होंने बोला था आपका फोटो जो है उसको चेंज कर लो फिर मैंने फोटो चेंज किया था तो वो उसी टाइम जो है अप्रूव हो गई थी और मुझे नेक्स्ट डे ही मेरा फर्स्ट स्टूडेंट मिल गया था प्लीज़ एक बात बताइए मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया मुझे से पता चलेगा कि उसने ट्रायल क्लास के लिए पेमेंट कर दिया तो जैसे ही स्टूडेंट का मैसेज आपके पास आया तो आपके पास ये भी मैसेज आएगा स्टूडेंट बुक दिस लेसन एट दिस टाइम एंड डेट तो तब वो वहां पर बुक हो गया है ना तो जैसे ही आप लेसन लोगे ना मतलब लेसन कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे अगर नहीं आए तो आप जब वेट कर लो या फिर जब आप उस लेसन पर क्लिक करोगे तो आप वहां से बोल सकते हो कंफर्म माय लेसन तो ऐसे करके वो कंफर्म हो जाएगा तो उसकी टेंशन मतलब अगर प्रेप्ली पर शेड्यूल है तो फिर रेप्ली पर ही कन्फर्म होगा तो उसकी टेंशन नहीं लेकिन आपके पास मैसेज आ जाएगी ट्रायल्थ क्लास का पेमेंट हुआ या नहीं कैसे पता चलेगा मैम पेमेंट डन का स्क्रीनशॉट भी भेजा है उसने और और रहेगा रहेगा पर पर जितना क्योंकि आप भी हो हो तो सके ही लो 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 बाहर मत कम अगर ले रहे हो तो शेड्यूल सिर्फ प्रेपली पर ही करना अगला एक और क्वेश्चन था माई प्रोफाइल वॉज अप्रूव्ड बट माई फेस वर्क एंड दे हाइड माई प्रोफाइल इफ़ आई कैन स्टिल्ली विदाउट गेटिंग प्रोफाइल अगर आपकी प्रोफाइल हाइड हो गई है ना तो वो स्टूडेंट्स आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनको आपकी प्रोफाइल ही नहीं दिखेगी एक बार आपकी प्रोफाइल अनहाइड हो जाएगी तो स्टूडेंट आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फिर आप पढ़ा भी सकते हो वहां पर एक क्वेश्चन है कि हम डेमो क्लास class देते क्लासेस देते हैं उसके बाद टीचिंग कैसे करें मतलब स्टूडेंट को डेमो के बाद कोर्स देना है नहीं जैसे हमने डेमो क्लास दी है तो मैंने स्टडी मटेरियल की एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और उसके अलावा आप जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आप मटेरियल कलेक्ट कर लो ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको इवन आप गूगल पर सर्च करके भी फाइंड आउट कर सकते हो और जैसे ही स्टूडेंट ज्वाइन करें आप अपनी स्क्रीन शेयर करके जो है स्टूडेंट के साथ अपना मटेरियल शेयर कर सकते हो और पढ़ा सकते हो अच्छा एक और क्वेश्चन है जोया खान खान्विन अगर मैं मनी अर्निंग की तो वो पैसे कैसे देंगे और मेरा तो पेटीएम या फोन एक, पे एक्सेट्रा है ही नहीं तो फ़ोन पे या पेटीएम पर तो वैसे भी पैसे नहीं आएंगे पेपल और पेयनियर के थ्रू ही आप पैसे विड्रॉ करा सकते हैं यही दो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मनी विड्रोवल के लिए बेस्ट है डॉलर्स टू इंडियन करेंसी और जो भी आपकी करेंसी है उसके लिए अगला डिपल डिम्पल पांडे अभी मैं कुछ पुराने भी कमेंट्स देख रही हूँ जो कि मुझे लगता है कॉमन क्वेश्चन है जो और सबके भी हो सकते हैं और मे भी उनको ना पता हो तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर भी मैं इसी वीडियो में कर रही हूँ अभी हाई कैन वी टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक आई वॉन्ट टू टीच अकाउंट फॉर हायर स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश टू किड्स कैन आई डू इट आफ्टर रजिस्टरिंग तो आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए प्रोफाइल बनानी है मान लो आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो सिर्फ वहाँ पर इंग्लिश के लिए प्रोफाइल बनाओ अपनी अगर आप कुछ दिन बाद नोटिस करते हो कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर सकते हो सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर सकते हो दैट आई कैन ऑल्सो टीच अकाउंटिंग और वट एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू टीच ठीक है teach, तो अगला है दीदी मैथ्स की क्लास हिंदी मीडियम में होती है क्या इस प्लेटफॉर्म पर दिनेश दिनेश का क्वेश्चन है ये तो मैथ्स की हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की आप जो भी टीच कर रहे हो सिर्फ आपको इंग्लिश में ही उनको पढ़ाना है आप और कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो अंटिल एंड एल कि स्टूडेंट को हिंदी आती है और वो आपसे बोल रहा है कि हम हिंदी में क्लासेस ले सकते हैं क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जो कि ऐसे बोले कि हमें हिंदी में क्लासेस लेनी या फिर वो क्योंकि वहाँ पर उनका सिलेबस इंग्लिश में होता है तो वो चाहते हैं कि क्लासेस भी इंग्लिश में ही हों सारी की सारी मैम पढ़ाते समय एक्सप्लेन किस लैंग्वेज में करते हैं हिंदी और इंग्लिश ये था एक्सप्लोर विद धीरज का क्वेश्चन तो आपको पढ़ाते समय सिर्फ इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना है आई एम इन ट्वेल्थ कैन आई अप्लाई स्टे फोकसड भारत इफ यू आर इन ट्वेल्थ अगर आप किसी भी क्लास में हो या फिर कॉलेज में हो अगर आप अबाउट एटीन हो सो यू कैन अप्लाई अगर कोई सब्जेक्ट सिखाना चाहता है तो क्या उसमें डिग्री होना मैंडेटरी है ये क्वेश्चन है केतन का तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो उसमें डिग्री होना मैंडेटरी नहीं है सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी नहीं है अगर आपके पास है तो ये प्लस पॉइंट है बोनस पॉइंट है आप उसको ऐड कर सकते हो लेकिन अगर नहीं है तो आप ऐसी भी पढ़ा सकते हो क्योंकि okay, आपकी एज जो एटीन अब आपके पास स्किल्स है आपके अंदर फैशन है और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप विदाउट डिग्री भी पढ़ा सकते हो तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो की मुझे लग रहा था की इम्पोर्टेंट है और मे भी अभी भी आपके इनसे रिलेटेड डाउट्स हो सकते हैं आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए इसके अलावा अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे साढ़े सात बजे ज्वाइन कर सकते हो मेरी लाइव में और तभी भी हम इंटरेक्ट कर सकते हो और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करूंगी बट इफ यू स्टिल हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई एम ऑलवेज रीडिंग योर कमेंट्स ओके सो आई सी इन द नेक्स्ट वन बाय टेक केयर